तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में, बात करने वाले हैं जो कि यहाँ पे इंडियन आर्मी से एएससी सेंटर में जो वैकेंसी जारी की गई थी उसका जो नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, कैसे आपको सेंड करना होगा, सभी जानकारियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे एएससी सेंटर साउथ और नॉर्थ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई थी। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको वैकेंसी को चेक करना होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन से आपको यहाँ पे वैकेंसी चेक करना होगा और जिस भी स्टेशन में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पे आपको स्टेशन भी चेक कर लेना होगा, क्योंकि आपको फॉर्म में तीन आपको यहाँ पे स्टेशन देना होगा जहाँ पे आप सर्विस करना चाहते हैं आप यहाँ पे चेक कर लेंगे और इसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके इसके बाद आप प्रिंट आउट करवा लेंगे। प्रिंट आउट करवाने के बाद कुछ ऐसा आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपना चिपकाना होगा, जो आपका फोटो होगा अपना लेटेस्ट फोटो आप चिपकाएंगे और इसके बाद आपको फोटो को अटेस्टेड करना होगा, यानी आपको फोटो के ऊपर सिग्नेचर करना होगा। और जिस भी सेंटर में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया इसमें एएससी सेंटर साउथ का दिया गया है और इसके बाद नीचे यहाँ पे एएससी सेंटर नॉर्थ का यहाँ पे दिया गया है। तो जिस भी सेंटर में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं सेंटर के अनुसार आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा और उसी एड्रेस पर आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया फॉर्म फिलअप करने के लिए जिसमें कि सबसे पहले आपको दिया गया इसमें पोस्ट नेम, जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आपको पोस्ट नेम देना होगा। इसके बाद नीचे आपको दिया गया इसमें नेम फिलअप करने के लिए जो कि आपको फुल नेम फिलअप करना होगा और यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना नेम इसमें फिलअप कर लेना होगा। नेम फिलअप करने के बाद इसके बाद आपको दिया गया मोबाइल नंबर देने के लिए, जो आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद इसके बाद नीचे आपको दिया गया इसमें ईमेल आईडी आपको देने के लिए, जो आपका ईमेल आईडी होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया इसमें आधार नंबर आपको देने के लिए, जो आपका आधार नंबर होगा यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना देना होगा और आधार का फोटो कॉपी आपको अप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी लगाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया इसमें फादर नेम फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको फादर का फुल नेम देना होगा। फादर नेम देने के बाद इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको देने के लिए, जो कि यहाँ पे दिया गया इसमें मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आपको इसमें फिलअप कर लेना होगा। डेट ऑफ बर्थ को देने के बाद इसके बाद नीचे आपको दिया गया इसमें कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको फिलअप करने के लिए, यानी जो आपका अस्थायी पता होगा पत्राचार का पता होगा उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको दिया गया इसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज इनमें से किसी एक का नेम आपको यहाँ फिलअप कर लेना होगा। फिलअप करने के बाद इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का नेम देना होगा, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट नेम देना होगा, स्टेट नेम देना होगा और इसके बाद आपको पिन कोड फिलअप करना होगा, जो कि यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद इसके बाद आपको इसमें परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होगा, यानी जो आपका अस्थायी पता होगा घर का पता होगा उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। सेम ही आपको फिलअप करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज देना होगा, इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस नेम देना होगा, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट नेम और इसके बाद जो आपका पिन कोड होगा उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे आप दोनों में सेम एड्रेस भी फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद इसके बाद नीचे आपको दिया गया इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देने के लिए, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे, टेंथ होगा, आईटीआई होगा, डिप्लोमा, ट्वेल्थ, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसे आप यहाँ फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन सभी के लिए यहाँ पे दिया गया टेंथ ही दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो अपना मैक्सिमम क्वालिफिकेशन लगाएंगे, यानी जो आपको अधिकतम क्वालिफिकेशन अपना लगाना होगा आप यहाँ पर 12वीं तक ही लगाएंगे, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लगाना होगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल अपना देना होगा। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर में यहाँ पे मैट्रिक देना होगा,
यानी 10th आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल नेम देना होगा, इसके बाद आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम देना होगा, परसेंटेज देना होगा, और इसके बाद रिमार्क में आपको यहाँ पे पास लिखना होगा या जो आपका डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, यहाँ पे आपको अपना डिवीजन इसमें देना होगा। अगर आप यहाँ पे 12वीं दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर 2 लिखना होगा, और इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको 12 देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल का नेम, बोर्ड नेम, इसके बाद परसेंटेज, और इसके बाद रिमार्क में आपको यहाँ पे जो आपका डिवीजन होगा उसे आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद आपको दिया गया जेंडर देने के लिए, तो यहाँ पे जो आपका जेंडर होगा मेल फीमेल उसे आपको देना होगा। इसके बाद नीचे आपको दिया गया इसमें कैटेगरी आपको देने के लिए, जो आपकी कैटेगरी होगी यहाँ पे दिया गया, वहीं आपको यहाँ पे कैटेगरी अपना देना होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया इसमें जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, एसएम या स्पोर्ट पर्सन होंगे, जो आपकी कैटेगरी होगी यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी इसमें देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया, अगर आप यहाँ पे एक्सेसमेंट कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे आपको जॉब का ज्वाइनिंग डेट होगा उसे आपको देना होगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा उसे आपको देना होगा, और जॉब का डिस्चार्ज बुक होगा उसे आपको यहाँ पे लगाना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया पीएच कैंडिडेट के लिए, यानी जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकेप के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे दिया गया डिटेल फिलअप करने के लिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिसबिलिटी टाइप देना होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज देना होगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क इसमें देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे नंबर 14 में दिया गया है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होगा, यानी आपका रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा, तो यहाँ पे आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे देना होगा, और इसके बाद जिस भी रोजगार कार्यालय से आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसका आपको यहाँ पे नेम देना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, अगर आप यहाँ पे पहले सर्विस करते होंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करना होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, इसके बाद आपको ऑफिस का एड्रेस, जिस पोस्ट पे सर्विस करते होंगे, पोस्ट नेम, और इसके बाद आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप पहले सर्विस नहीं करते होंगे तो यहाँ पे आपको नो पे टिक करना होगा, और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ब्लैंक देना होगा, यानी ब्लैंक आपको छोड़ देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे चॉइस देना होगा, जो कि मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में बताया था, वही आपको यहाँ पे चॉइस देना होगा, जो कि यहाँ पे 3 आपको अलग अलग इसमें चॉइस देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया डिक्लेरेशन, जिसमें कि यहाँ पे आपको डेट देना होगा, जिस भी डेट में आप फॉर्म फिलअप करते हैं यहाँ पे आप डेट देंगे, और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे प्लेस देना होगा जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया इसमें सिग्नेचर करने के लिए सिग्नेचर करेंगे। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया 2 आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फोटो देना होगा, जिससे कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, और इसके बाद फोटो के बैक साइड पे आपको अपना नेम और फादर नेम देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे बताया गया 1 आपको सेल्फ एड्रेस इनवेलप देना होगा, जिसपे कि कम से कम आपको 10 रुपये का टिकट लगा करके ही देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया जितने भी आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होंगे उसको आपको काउंट करना होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर में आपको इसमें देना होगा, यानी जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे, सभी का आपको यहाँ पे सभी को यहाँ पे काउंट करके इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर में देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपेंडिक्स फर्स्ट यहाँ पे दिया गया, जिसे कि आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया ये इनवेलप का साइज दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट नेम देना होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम देना होगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, तो यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर करना होगा, जो आपका 10th का परसेंटेज होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। अगर आपका 50% होगा हाई स्कूल में, तो यहाँ पे आपको रेड पेन से सिग्नेचर करना होगा, और यहाँ पे जो आपका परसेंटेज होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। अगर जो आपका परसेंटेज होगा 51 से 60 के बीच में होगा, तो यहाँ पे आपको ब्लू पेन से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका परसेंटेज होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया, अगर आपका जो परसेंटेज होगा 61 होगा या उससे अधिक होगा, तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे जो आपका परसेंटेज होगा 61 से अधिक परसेंटेज होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद 2 में यहाँ पे जो सेंटर का एड्रेस है उसे आपको यहाँ पे देना होगा। ये आपको जो इनवेलप दिया गया है, इनवेलप का कवर दिया गया, इसे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करके सेंड करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि यहाँ पे दिया गया ओबीसी के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उन्हीं को यहाँ फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना नेम देना होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम, इसके बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंस देना होगा, यानी जो आपका विलेज होगा या टाउन होगा उसे आपको फिलअप करना होगा, इसके बाद आपको सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, और इसके बाद आपको स्टेट का नेम देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया जो आपका ओबीसी होगा उसमें जो भी आपकी जाति आती होगी यहाँ पे आपको जाति इसमें देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस देना होगा, नीचे आपको डेट देना होगा जिस भी डेट में फॉर्म फिलअप करते हैं,
इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको सिग्नेचर और इसके नीचे आपको अपना फुल नेम देना होगा जो आपका नेम होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया दो यहाँ पे एडमिट कार्ड का फॉर्म दिया गया है, इसमें कि ऊपर यहाँ पे आपको अपना नेम, नीचे आपको फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं पोस्ट नेम, और इसके बाद जो आपकी कैटेगरी होगी कैटेगरी आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया फोटोग्राफ चिपकाने के लिए, और फोटोग्राफ चिपकाने के बाद इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। फोटो आपको ऐसे चिपकाना होगा कि फोटो यहाँ पे जो आपका होगा इतने में एडजस्ट हो जाए, और इसके बाद नीचे जो यहाँ पे खाली जगह है इसमें आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। और सेम एडमिट कार्ड नीचे एक और भी दिया गया है, इसे भी आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ चिपकाना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्म मिलने वाला है टोटल यहाँ पे 4 पेजों में फॉर्म मिलेगा, सभी को यहाँ फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद इसके बाद जो आपका फॉर्म होगा फिलअप हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे मैंने अलग से यहाँ पे लिस्ट बनाया है, डॉक्यूमेंट लिस्ट, इनमें से ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना होगा। इसमें कि सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना होगा तो उसे आप लगा सकते हैं, नहीं बना होगा तो उसके स्थान पर आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसपे कि आपका डेट ऑफ बर्थ दिया होगा। इसके बाद आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाना होगा, यानी जितना भी आप क्वालिफिकेशन दिखाते हैं फॉर्म में 10th 12th, उतना आपको यहाँ पे अपना जो क्वालिफिकेशन होगा उसे आपको लगाना होगा। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो कैंडिडेट SC ST या OBC कैंडिडेट होंगे उन्हीं को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा उसे आपको यहाँ पे लगाना होगा। और इसके बाद 2 फोटो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा फोटो को, और इसके बाद फोटो के पीछे आपको अपना नेम और इसके बाद आपको फादर नेम लिखना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि यहाँ पे केवल ड्राइवर के पोस्ट के लिए, अगर आप यहाँ पे ड्राइवर के पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे केवल ड्राइवर के लिए दिया गया है। अदर पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे PS सर्टिफिकेट है, अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पे जो आपका PH का सर्टिफिकेट होगा उसे आपको लगाना होगा। अगर आप यहाँ पे ESM कैंडिडेट होंगे, यानी आप भूतपूर्व सैनिक होंगे और फॉर्म फिलअप करते होंगे, तो आपको यहाँ पे अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना होगा। और जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाना होगा, यानी आपको जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा। और इसके बाद जो आपको सेंड करना होगा, आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने के लिए 18 सितंबर 2021 तक आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट लिस्ट, और जो डॉक्यूमेंट लिस्ट का PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कौन कौन से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना होगा। जिसके लिए आप अप्लीकेबल होंगे वहीं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। और एक डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लगाना होगा, आधार कार्ड, जो कि यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको यहाँ पे आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी आपको लगाना होगा, जो कि उसे भी आपको अटेस्टेड करना होगा। और इसके बाद बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पे एनवेलप के ऊपर एड्रेस को लिखना होगा। तो जो आपका एनवेलप होगा कुछ ऐसा आपको एनवेलप मिलेगा जब आप शॉप से यहाँ पे लेंगे। और इसके बाद ऊपर आपको सबसे पहले यहाँ पे देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके बाद आपको पोस्ट नेम देना होगा जिस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, और इसके बाद जो आपका परसेंटेज होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा, 2 लिखने के बाद जो सेंटर का एड्रेस है आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म लिखना होगा, और जो आपका होम एड्रेस होगा यहाँ पे आपको इसमें फिलअप कर देना होगा। ऐसे आपको यहाँ पे जो आपका एनवेलप होगा उसे आपको यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा, और एक एक्स्ट्रा एनवेलप आपको सेंड भी करना होगा जिसमें कि आपको केवल अपना एड्रेस लिखना होगा, जिसमें कि ऊपर आप 2 लिखेंगे, और इसके बाद जो आपका होम एड्रेस होगा उसे आपको लिखना होगा। और इस पर जो आपको यहाँ पे लगाना होगा कम से कम आपको यहाँ पे 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प लगा करके ये आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, जिसपे कि आपको यहाँ पे केवल 10 रुपये का लगाना होगा। जो आपका सेल्फ एड्रेस एनवेलप होगा उस पर आपको 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प लगा करके इसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट लगाना होगा, और इसके बाद आपको सेंड कर देना होगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे अकाउंट से कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी दे दूँगा। या कोई डाउट हो तो भी आप नीचे अकाउंट से कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी दे दूँगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।